हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट फील्ड पे। आज हम लोग देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है एवं फेयर वैल्यू गैप आप कहाँ यूज कर सकते हो, कौन सा इंडिकेटर या फिर बेस्ट है, एंड एसएमसी वाला मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला इंडिकेटर का जो फेयर वैल्यू है वो ज़्यादा सही है कि और कोई फेयर वैल्यू गैप का अलग इंडिकेटर है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप कहाँ मिलता है, अगर मैं पहले भी ऑलरेडी एसएमसी का वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ जहाँ पर एसएमसी जो होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, उसका जो लाख सेल्गो वाला जो इंडिकेटर था उसको अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको ये पूरा चार्ट दिख जाएगा जहाँ पर आप ये जो गैप है, इस गैप को आप बोल सकते हो, ये गैप बोल सकते हो, ये फेयर वैल्यू गैप है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो इंडिकेटर है उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है। मगर ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो इंडिकेटर है इससे भी अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप का जो प्रीव्यू वो आपको स्पेशल जो फेयर वैल्यू गैप वाला जो इंडिकेटर है उसमें मिल जाएगा। अभी पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, जहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप जो होता है उसमें होता क्या है एंड फेयर वैल्यू गैप क्यों नेसेसरी है। इस इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर को थोड़ा बहुत हटाते हैं क्योंकि हम लोग मैनुअली देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ है एंड ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ आपको हेल्प करेगा ट्रेड लेने के लिए। ये एक 15 मिनट का चार्ट है, जो स्टॉक है वो है BTC और आप बोल सकते हो बिटकॉइन, जो मेरे ख्याल से क्रिप्टो का सबसे बड़ा एंड फेमस वाला एक क्रिप्टो है। तो अभी क्रिप्टो बिटकॉइन अभी फिलहाल रनिंग चल रहा है, ये 24/7 कंटिन्यू इसका ट्रेडिंग चलता है। तो आप यह पर अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो बिटकॉइन का जो फ्लो था वो फ्लो यह पर से नीचे गिर गया। तो ये जो लाइन है, ये जो यह पर से जो लाइन आता है, जो लाइन आप देख सकते हो, यह से प्रॉपर तरीके से इसको ब्रेक किया। दो बार स्टॉक ने यह पर एक बार नीचे लो बनाया था एंड यह पर भी एक बार रिटेस्ट किया था, मगर उसकी उसके 2 कैंडल बाद ही वो रिटेस्ट तोड़ के नीचे क्लोज दिया एंड नीचे आ गया। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इस सिनेरियो से आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े 2 कैंडल प्रिपेयर हुए हैं। एक तो ये वाला कैंडल प्रिपेयर हुआ है एंड दूसरी बार ये वाला कैंडल प्रिपेयर हुआ है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, ये तीनों कैंडल एक साथ प्रिपेयर हुआ है। हम लोगों को यह से देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम लोग FVG, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंड लॉन्ग फॉर्म में फेयर वैल्यू गैप, इसको ढूंढना है। ये जो कैंडल है इसका अगर विक्स बनता, अगर मान के चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और भी सही तरीके से देखने के लिए, ये कैंडल का अगर विक्स बनता, विक्स मतलब ऊपर वाला जो विक्स आप देख पा रहे हो, ये विक्स, ये वाला सेशन से ये जो पोर्शन है ये विक्स है, मगर यहाँ पर नीचे आप अगर देखोगे कोई विक्स नहीं है, यह पर वीक्स है, ये वाला वीक्स है, ये वाला वीक्स है एंड ये वाला वीक्स है, ये वाला वीक्स है, ये सभी वीक्स है, मगर इसमें इस कैंडल के नीचे कोई वीक्स नहीं है,
दैट मीन्स एकदम नीचे से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ है, दैट्स इसलिए इसका वीक प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो रूल्स क्या है, अगर आप बोलोगे कि एफ बी जी कैसे निकले, तो ए वाला अगर वीक्स बनता तो ए तब कैंडल वन होता, मगर इसमें वीक्स नहीं बना तो ए कैंडल वन है, ए कैंडल टू है एंड ए कैंडल थ्री है। वन का जो कैंडल है ए, अगर आप लोअर साइड में जा रहे हो तब वन का जो है वन का लो साइड एंड थ्री का जो है थ्री का हाई साइड, ए जो दो बीच का जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग एफ बी जी एरिया बोल सकते हो और फेयरवेल गैप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ आता है, ये लगभग इस प्लेस को आप एफ बी जी बोल सकते हो। ये जो पूरा जो जोन है इसमें आप बोल सकते हो एफ बी जी। एफ बी जी का फ़ायदा क्या है, ये तो एफ बी जी हम लोग देख लिए। मैं अब करता क्या हूँ, यह से इस ए बी जी को ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो चार्ट है इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, अब ए बी जी का मतलब है यह पर आप सीधे एक स्ट्रेट कार्ड हुए थे, अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि ए बी जी का मतलब है आपको यह से फिर से एक बार वही ट्रेंड हिट कर सकता है। दैट मीन्स ये जो सेलर जोन था ये प्रॉपर तरीके से अभी तक के लिए फीलिंग नहीं हुआ बोल सकते हो, इसीलिए मार्केट फिर से इस जोन को, ये जो जोन है एफ बी जी का जो फेयरवेल गैप है, इस जोन को फिर से रीटेस्ट कर रहा एंड नीचे आया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, नीचे आया, फिर से नीचे, बहुत नीचे आ गया। तो एफ बी जी का मतलब है ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस गैप से हम लोग जो ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, इस नेगेटिव ट्रेंड के एक ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हैं। दैट मीन्स आप फिर से इस जोन को पकड़ के रख के एक प्रॉपर तरीके से इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप, हो सकते हैं कि आप इस कैंडल से थोड़े ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो और कैंडल को क्लोज होने के लिए थोड़ा वेट करो। प्रॉपर एक कैंडल जो होता है, अब इसमें थोड़ा प्राइस एक्शन जाना पड़ता है, ये वाला कैंडल एक प्रॉपर आप सेलिंग कैंडल बोलें, जो नेक्स्ट कैंडल में आप सेल कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस, ए वाला बहुत छोटा स्टॉप लॉस होने के बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। एंड उसके बाद थोड़ा टाइम होल्ड करने से, क्योंकि आज संडे है इसलिए जो बिटकॉइन है उसका भी ट्रेड थोड़ा स्लो है, दैट्स वाई ये नीचे ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। एंड आप देख सकते हो ये जो प्राइस है नियर अबाउट 68,400 के आसपास आप इधर में शॉर्ट कर सकते थे अप्रॉक्स। एंड इसका लो है 67,600 नहीं बोल के मैं 700 बोल सकता हूँ। दैट मीन्स आप नियर अबाउट 700 पॉइंट्स का एक बार बेनिफिट ले सकते थे इस रेंज का। मैं 700 पॉइंट्स तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप 500 भी ले सकते हैं, 200 भी आप मेरे ख्याल से आप अपॉर्चुनिटी ले सकते थे और 300 भी ले सकते थे। इसी बीच का कोई भी सेक्शन में आप इस लो को ही टारगेट रख सकते। तो जो टारगेट रहता मेरे ख्याल से, इसका अगर रेशियो भी आप अगर देखोगे ना तो मेरे ख्याल से बहुत सही रेशियो आ जाएगा। यह से भी अगर आप शॉर्ट करते हो एंड इसका टारगेट यहाँ पर रखते हो एंड इसका स्टॉप लॉस मैं यह के सेफ गार्ड में ही अगर ऊपर में रखा,
तो 1:2 का आपका टारगेट मिलता एंड वेरी मच इजीली इसको आप अचीव कर सकते थे अगर इस FBG का प्रॉपर रूल्स आपको मालूम होता। तो इस FBG निकालने के लिए आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये उतना इजी तो नहीं है जितना आप देख पा रहे हो। मगर इस FBG को अगर आप प्रॉपर तरीके से चेकआउट करना चाहते हो तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो जो पहले वाला जो लास्ट वाला वीडियो मैंने मैंने पोस्ट किया था उसमें आप ये स्मार्ट ये FBG ऑटो डिटेक्ट करके ये तो दिखाते ही है आपको। मगर अब मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो FBG यूज होता है वो प्रॉपर तरीके से आप यूज मत करो कि इसमें इसमें थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो डिटेलिंग नहीं है। मैं नीचे जाके सेटिंग में ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर प्रॉपर तरीके से क्लिक कर देता हूँ एंड ऑटो थ्रेशोल्ड को नहीं ठीक है रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आया है FBG कहाँ कहाँ मार्क हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक FBG है बड़ा बड़ा लॉन्ग कैंडल पे ये पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। तो इस FBG को यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लीजिए ये FBG है ठीक है। इसको हम शायद इस इंडिकेटर से डिजिट बढ़ा सकते हैं क्या देखते हैं। यहाँ एक्सटेंडेड FBG M15 कर देता हूँ देखते हैं। हाँ देखिए FBG है ये FBG है इसको ये देखिए बड़ा कैंडल का ये वाला पोर्शन इसका लो इसका हाई ये FBG। दैट मीन्स अभी बिटकॉइन अगर इस प्लेस पे आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है आपको छोटे टाइम फ्रेम में उसका प्रॉपर तरीके से उसको देखना पड़ेगा कौन सा कैंडल कहाँ पर विक्स दे रहा है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। एंड इसके जो स्पाइक कैंडल का जो विक्स होगा उसको आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर बताया। ये एक FBG है जो आपको ऑटो डिटेक्ट कर दिया इसमें में किया है। मगर मैं इसको नहीं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है इसको आप यूज मत करिए। मेरा जो FBG का जो रिकमेंडेशन है उसके लिए लाक्स एल्गो एक स्पेशल इंडिकेटर ऑलरेडी पब्लिश किया है। इसको फेयर वैल्यू गैप पूरा लिखिए ब्रैकेट ब्रैकेट में लाक्स एल्गो आएगा उसको क्लिक करिए एंड आपको FBG मिल जाएगा। इस FBG में आप सेटिंग्स में जाइए सेटिंग्स में जाके इसको थ्रेशोल्ड को आप ऑटो करिए। आप मिटिगेट लेवल को टिक कर सकते हो इसको आपको थोड़ा बहुत और भी लेवल मिल जाएगा। ये जो स्टाइल है इसको 20 रखिए और ज़्यादा भी रख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं चाहिए जस्ट ओके मारिए। ये देखिए ये जो FBG है ना ये FBG आपको प्रॉपर तरीके से दे सकता है। ये जो ऑटो है उसमें आपको ये वाला लेवल तब भी दे दिया है ये देखिए तब भी ये वाला लेवल दिया है। मगर विक्स भी यूज कर सकते हो नहीं भी यूज कर सकते हो। मैं ज़्यादा विक्स अगर रहता है तो मैं ज़्यादा प्रेफरेबल मानता हूँ तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये एक बार टच किया ये जो टच किया ना इसमें मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ट्रेड मिला। ये जो टच किया यहाँ पर सेल आप कर सकते हो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए कैंडल क्लोज होने के बाद एंड आप रिजल्ट देख सकते हो। इसका बैक टेस्टिंग और भी करते हैं एक सेकंड। इसका बैक टेस्टिंग
मेरे ख्याल से पुराना वाला डाटा में, हाँ इसको तो मिल गया। ये देखिए यहाँ पर एक डाटा मिल रहा है जहाँ पर, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा एक है, नीचे लो बनाया है, फिर से लो बना के इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये तो लो बनाया है, ऊपर से नीचे तक एक लो बनाया है। इसका पॉइंट अगर देखोगे 71,200 से ये वाला पॉइंट अब 68,800, एक बड़ा वाला एक नीचे फॉल आया है। उसके बाद ये जो ABG का जो एरिया है उसको टच करके इनसाइड हुआ, 50% रिट्रेसमेंट भी घुसा। एंड आप देख सकते हो एक सिंगल वीक मारा, ये वाला भी एक बड़ा वाला एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया एंड बहुत अच्छा खासा एक सेल जोन क्रिएट किया। एंड इसको आप स्टॉप लॉस अगर रखोगे तो आपका जो टारगेट है सेम टू सेम या 70,200 के आसपास आपका सेल ऑर्डर होता। एंड अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो नीचे सेम टू सेम 68,800 के आसपास इसका नीचे आया। तो मैम इतना नीचे तो नहीं बोलूँगा, आप अपॉर्चुनिटी या फिर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एक लास्ट एक ग्रीन कैंडल मिल जाता, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो इसमें से भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये था FVG, जिस FVG का मेरे ख्याल से ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट है। एंड जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को आप चेंज करके बहुत इजी तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो प्रॉपर व्यू है उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको FVG पता चलेगा एंड उसका यूटिलाइजेशन भी पता चलेगा। ये देखिए ये मैंने बोला था कि इस रेंज को यो टैप करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो टैप कर रहा था मगर प्रॉपर तरीके से इसका टैप नहीं हुआ। इसको अगर 5 मिनट्स चार्ट में देखे तो तब भी इसका टैप नहीं हुआ, 3 मिनट्स चार्ट में देखते हैं, नहीं तो हुआ है। ए वाला लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है इसलिए नहीं दिया। एंड 1 मिनट चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो पुराना वाला लेवल मेरे ख्याल से नहीं, कोई रेफरेंस लेवल नहीं आया अभी तक के लिए, टैप नहीं किया, तो बाइंग बनता नहीं है। आपको थोड़ा होल्ड एंड पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिले। मेरे ख्याल से पेशेंस रखना मार्केट में सही है, ज़्यादा हड़बड़ी करने से मेरे ख्याल से आपको लॉस हो सकता है एंड आपका ट्रेड गलत भी हो सकता है। तो ये था FVG इंडिकेटर का अच्छा खासा एक ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझने में थोड़ा दिक्कत आई हो और भी डिटेलिंग वीडियो चाहिए SMC का, तो नीचे कमेंट करके आप पोस्ट करिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की और एक्सप्लेन करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। एंड अगर ABG और फेयरवेल गैप वाले इंडिकेटर अभी तक यूज़ नहीं किया हो तो मेरे ख्याल से एक बार यूज कर सकते हो। ट्रेंड का एक काफ़ी मज़ेदार ट्रेड आप ले सकते हो, प्रॉपर तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो मेरे ख्याल से आपको सही मायने में बेनिफिट देगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।